<ici> hey, hello, 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 हेलो हेलो गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग जी की हाल चाल जी एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन दबा दो फटाफट से जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और मेरे को बताओ जी क्या मेरी ऑडियो सही आ रही है जी एक बार चेक करना कर मेरी ऑडियो सही आ रही है जी किसी के ने, ने, शामों ने, अकेली रातों ने अधूरी बातों ने चाहे सी कब आ घर कब आ चलो जी, बहुत बढ़िया वेरी गुड जबरदस्त सर मैंने डबल लाइक कर दिया बहुत बढ़िया अच्छा मैं आपको दिख रहा हूँ तो तो एक बार चेक करना जी क्या मैं आपको दिख रहा हूँ हो, 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 आकाश कह रहे हैं सर आप दिख नहीं रहे ओ माई गॉड गुड इवनिंग सुभाष गुड इवनिंग रोहित गुड इवनिंग खुशी गुड इवनिंग वैभव गुड इवनिंग कृपा गुड इवनिंग गुंजन गुड इवनिंग तनुश्री गुड इवनिंग वैभव वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों वेरी गुड इवनिंग क्या हाल चाल है जी चलो जी बहुत बढ़िया जी आ जाओ फटाफट से आओ जी इधर देखो ध्यान से अब आज हमें रेजिडेंशियल स्टेटस आई थिंक हमने स्टार्ट किया हुआ था ना तो लास्ट क्लास में हमने अपना सेक्शन नंबर फाइव हमने कंप्लीट कर लिया था और सेक्शन नंबर सिक्स हमने रिवाइज कर लिया था और आपको मैंने कहा था कि कुछ आपने होमवर्क करके आना है तो फटाफट बताओ आपने होमवर्क कंप्लीट किया है जी क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया जल्दी बताओ फटाफट से जी सर आप कैसे हैं मैं बहुत बढ़िया हूँ जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ चलो आओ जी फटाफट से आओ जी तो से तो सेक्शन नंबर किया था एक तो सेक्शन नंबर से पहले हम चैप्टर करेंगे हाउस प्रॉपर्टी वाला होपफुली उसको भी आज हम स्टार्ट कर देंगे बस ये पर ध्यान दो ठीक है मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी अब एक बार लास्ट क्लास में जो हमने कंप्लीट किया ना एक बार उसकी मेरे को फटाफट से रिविजन करवा दो जी ठीक है अब यहाँ पे एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करना जी इधर देखो ध्यान से अब यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे देखो जी चलो अब लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर फाइव हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन नंबर सिक्स हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन नंबर नाइन आज हमें कंप्लीट करना है इससे कंप्लीट करने से पहले एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं कि लास्ट क्लास हमने क्या किया था <laughs> लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि अगर किसी प्रसंग का तुम्हें स्टेटस निकालना है अरे स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है जी सर प्लीज जल्दी चालू करिए तीन मई आ गई तीन मई आ गई क्या हो गया नालायक आपको एक मिनट रुको पहले तो इस बच्चे को क्या हो गया इस बच्चे के साथ एक मिनट रुको नालायक इधर सुनो ध्यान से चलो जी वापिस सॉरी फटाफट से यहाँ पे आओ जी इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सेक्शन नंबर फाइव और सिक्स में जो हमने कंप्लीट के एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं अब पहली बात रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना क्यों जरूरी है क्योंकि आपको मैंने कहा था कि अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम निकालनी है तो टोटल इनकम जो है वो रेजिडेंशियल स्टेटस पर बेस होती है इट मीनस जब तक हम किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट नहीं करेंगे तो उस पर्सन की हम टोटल इनकम भी कंप्यूट नहीं कर सकते बस ये पर ध्यान दो अब इंडिया का रेजिडेंट बना या नॉन रेजिडेंट बना वो किस पे डिपेंड करता है सेक्शन सिक्स वाली कंडीशन पर डिपेंड करता है अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड

अब पहला केस तो याद करो मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहे हैं तो उस केस में वन एट्टी तो डेज चेक करेंगे साठ दिन वाली कंडीशन वहां पे चेक नहीं करेंगे सेकंड केस ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल हो इंडियन सिटीजन हो इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो एज ए मेंबर ऑफ क्र्यू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहे हो तो भी हम 182 एट्टी टू डेज वाली काउंटिंग करेंगे वहाँ पे हम सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे तीसरा फिर यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर आप इंडिविजुअल हो आप इंडियन सिटीजन हो या इंडियन ओरिजन हो आप बाहर सेटल्ड हो बाहर से इंडिया में विजिट कर रहे हो आपकी टोटल इनकम जो है पंद्रह लाख तक है

Days or more in the relevant previous year and 365 days or more in four.

कभी नहीं बन सकते फिर दूसरा गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बने तो माना या ना मानो मानना ही पड़ेगा तुम आर एनओ आर हो तुम आर ओ कभी नहीं बन सकते इन दोनों केस में हमेशा आर बनेंगे पॉइंट हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप किसी और वजह से रेजिडेंट बने हो तो आपकी मेनली दो कंडीशन निकल के आती है अगर तुम दोनों कंडीशन आर ओ आर वाली सेटिस्फाइड करोगे तो आर ओ आर बन जाओगे बट जो दो कंडीशन एक्ट में लिखी है एक्ट में जो दो कंडीशन लिखी उसमें से एक भी करोगे तो आर एनओ आर बन जाओगे पहले मैं बात करता हूं आर एनओर तुम कब बनोगे आर एनआर कब बनेंगे पिछले दस में से किसी भी पिछले दस में से अगर मैं नो बार नॉन रेजिडेंट रहा हूं एक बार मैं रेजिडेंट रहा हूं, तो मैं आर एनआर बन जाऊंगा या पिछले सात साल में सेवन ट्वेंटी नाइन डेज या उससे कम रहा हूं तो मैं आर एनओ आर बन जाऊंगा इन दोनों में से कहीं पर भी फोल करूंगा तो आर एनओ आर बन जाऊंगा अगर तुम्हें आर ओ आर बनना है तो दो बातें हैं दस में से कम से कम दो बार तुम्हें रेजिडेंट होना होगा और सात साल में सेवन थर्टी डेज या उससे ऊपर अगर रहोगे ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर दोगे तो आर ओ आर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना हमें ये क्लैरिटी हो गई कि आर कब बनेंगे RNOR कब बनेंगे NR कब बनेंगे ये सारी बातें हो गई अगला पॉइंट क्या निकल है कि कंपनी कंपनी वाले केस में तो केस में क्या होगा तो गवर्नमेंट दो होंगे डोमेस्टिक फॉरेन कंपनी अब अगर कोई कंपनी कंपनी इंडियन होगी तो ऑलवेज वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होगी कभी भी वो एनआर नहीं बन सकती फॉरन कंपनी वाले केस में दो केस है या तो पोयम उसकी इंडिया में है या पोयम इंडिया से बाहर है अगर पोयम उसकी इंडिया में है तो फिर तो फॉरन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट है अगर पोयम उसकी इंडिया से बाहर होगी तो फॉरन कंपनी क्या बन जाएगी नॉन डेंट बन जाएगी ये सारी बातें आपके निकल के आती हैं बट एक्चुअल में पोयम वाला कॉन्सेप्ट जो है वो तब एप्लीकेबल होगा अगर किसी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है मतलब अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो फॉरेन कंपनी ऑलवेज नॉन रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर होती है ये बात भी हमने क्लास में डिस्कस की थी और लास्ट वाली क्लास में भी डिस्कस की थी अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है कि भैया एच वाले केस में एओपी वाले केस में बीवाई वाले केस में लोकल अथॉरिटी वाले केस में स्टेटस कैसे निकालेंगे तो गवर्नमेंट ने कहा उनका स्टेटस जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कंट्रोल और मैनेजमेंट के बेस पे अब गवर्नमेंट ने कहा अगर होली और पाट कंट्रोल अगर इनका इंडिया में है तो फिर तो ये क्या बन जाएंगे रेजिडेंट और अगर इनका सारा कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा फिर ये लोग क्या बनेंगे नॉन रेजिडेंट बनेंगे ये सारी बातें हमने पार्टनरशिप फॉर्म वाले केस में कंप्लीट की हैं। तो फाइनली अब जाके स्टेटस हमने निकाल दिया यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है चलो अगला पॉइंट फिर हमने क्या कंप्लीट किया हेलो भाई साहब ओ इधर अगला पॉइंट हमने क्या कंप्लीट किया अब ये स्टेटस हमने निकालने के बाद कि हमारे हाथ में इनकम कितनी कितनी टैक्सेबल होगी तो गवर्नमेंट ने कहा देखो जी अगर तुम आर ओ आर तुम्हारे हाथ में ऑलमोस्ट सारी के सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है अराइज अराइज इन इन इंडिया इन इंडिया इंडिया टैक्सेबल टैक्सेबल रिसीव्ड आउटसाइड तो भी टैक्सेबल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आर ओ आर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है बस एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के दूसरा आर एनओ आर के हाथ में अराइज इन इंडिया टैक्सेबल सीव इन इंडिया टैक्सेबल अराइज आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल होगी बट तब अगर बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर उसका इंडिया में सेटअप होगा तो आर एन आर के हाथ में वो इनकम टैक्सेबल कर देंगे बस ये ध्यान दो फिर अगर कोई एनआर है अराइज इन इंडिया टैक्सेबल रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल बट अगर आपने इंडिया से बाहर कमाई है तो वो इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी बस ये पास ध्यान दो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है चलो जी अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब सारे बच्चे यहाँ पे आओ जी अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब ये दोनों सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ना अगला सेक्शन यहां पे हमारे सामने आ रहा है कि सेक्शन नंबर नाइन क्या कहता है अब सुनो ध्यान से नाइन में लिखा क्या है सेक्शन नंबर नाइन तुम्हें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इतनी दिक्कत नहीं देगा अगर वो डायरेक्टली लिखने के लिए आ गया तो बात एक अलग है बट अगर तुमने घर से क्वेश्चन किए हो तो तुमने देखा होगा कि सेक्शन नंबर नाइन के बिना भी वो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं एक्चुअल में सेक्शन नंबर नाइन पता क्या है सेक्शन नंबर नाइन एक तरह की क्लेरिफिकेशन है एक्सप्लेनेशन है मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि कुछ इनकम ऐसे सेक्शन नंबर नाइन के अंदर दी हुई है कि माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है और मैं कह रहा हूं कुछ इनकम ऐसी है अगर वो सेक्शन नाइन तुम नहीं भी पढ़ोगे तुम चेक करो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर तुम अटेंड कर रहे हो उसमें तुम्हें नाइन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही बट अगर तुम्हें नाइन लिखने के लिए आ गया उसने कहा कि बताओ कुछ इनकम ऐसी बताओ जिस इनकम को डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानेंगे तो उस केस में सेक्शन नंबर नाइन की रेलिवेंसी हो सकती है बस ये ध्यान दो अब एक बार चेक करना कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जिसको मानना ही पड़ेगा आपने वो इनकम इंडिया में कमाई है तो कौन कौन सी इनकम है सबसे पहले इनकम गवर्नमेंट ये बात कहती है कि ऐसी इनकम जो आपने इंडिया से बाहर अराइज की है बट उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से है मैं दोबारा बोलूंगा ऐसी इनकम जो आपने इंडिया से बाहर अराइज की है बट उस इनकम का बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया से है ना तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है बात खत्म जी अब एक बच्चा ये बात कहता है सामने एक बच्चा बैठा है क्या नाम है खुशी खुशी कह रही है गाबा सर एक बात बताओ मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जो हम सेक्शन नाइन हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या ये आर ओ आर के लिए एप्लीकेबल है आर एनओ आर के लिए एप्लीकेबल है एनआर के लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन है किसके लिए अगर मैं कायदे से देखू ये सेक्शन तीनों के लिए है भला चाहे आर ओ आर हो आर एन ओर हो एन आर ओ गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम नाइन में कवर हो जाते हो ना तुम्हारे हाथ में टैक्सेबिलिटी हो जाएगी तुम कोई भी हो बट अगर हम चेक करें आर ओ आर के हाथ में अगर नाइन ना भी हो तो भी क्या दिक्कत वाली बात है क्योंकि आर ओ आर के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है क्योंकि आर ओ आर के हाथ में बाहर कमाई हुई इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो रही है तो आर ओ आर के हाथ में इतनी दिक्कत नहीं आती मेन प्रॉब्लम क्या आती है सेक्शन नंबर नाइन गवर्नमेंट लेकर क्यों आई है क्योंकि एन ये आर्ग्यूमेंट करता था ये इनकम मेरे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं है एनर कहता था कि मैं तो इंडिया से बाहर रहता हूँ इंडिया में मैंने कमाया नहीं है इंडिया में रिसीव नहीं किया इस इनकम पर मैं इंडिया में टैक्स पे नहीं करूंगा, तो फाइनली गवर्नमेंट ने कहा हम नाइन में सेक्शन नंबर नाइन में कुछ इनकम लिखने जा रहे हैं माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा ये इनकम तुमने इंडिया में कमाई है और तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है चाहे तुम एनआर ही क्यों नहीं हो ये फ़र्क नहीं पड़ता तो मतलब मेनली जब गवर्नमेंट सेक्शन नंबर नाइन लेकर आई तो गवर्नमेंट के दिमाग में मेनली नॉन रेजिडेंट थे कि गवर्नमेंट ये बात बोलती थी कि माना या ना माना हम ये तुम्हें मानना पड़ेगा कि इनकम तुम्हारे हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी चाहे तुम नॉन रेजिडेंट ही क्यों नहीं हो बस ये पास ध्यान दो बट अगर एग्जाम में लिखेंगे हमें कहीं नहीं लिखेंगे सेक्शन नंबर नाइन नॉन रेजिडेंट के लिए ऑलवेज हम ये मान के चलेंगे कि सेक्शन नंबर नाइन आर के लिए भी है आर एनओ के लिए भी है और एनआर के लिए है तीनों के लिए है बस ये पास ध्यान दो तो सबसे पहले उसने क्या बोला उसने बोला जी अगर आपने कोई इनकम अगर आपने कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाई है और उसका कनेक्शन अगर इंडिया से है ना तो मानना ही पड़ेगा वो इनकम अपने इंडिया में कमाई है अब बहुत ध्यान से सुनना जहां पर तुम गलती करते हो हेलो भाई साहब ओए ओ इधर इधर सुनो कल वाली क्लास में ना हमने एक पॉइंट किया था अब मुझे नहीं पता वो पॉइंट आपको ध्यान है या नहीं है कल वाली क्लास में हमने एक पॉइंट किया था वो पॉइंट क्या क्या था वो सुनो जी मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जैसे मान लो एक इनकम है इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एक पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है ठीक है जी दूसरा पॉइंट इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम इंडिया दूसरा पॉइंट यह निकल के आ रहे जी बहुत ध्यान से देखना जी पहला निकल के आ रहे हैं इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और दूसरा पॉइंट यह निकल के आ रहे हैं इनकम अराइज आउट साइड इंडिया बट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है अब सोच के बताना ये आपका आर ओ आर है ये आपका आर एनओ आर है और ये आपका एन आर है अब सारे बच्चे मुझे आंसर देना जी यहाँ पे एक आपका आर ओ आर एक आपका आर एनओ आर और एक आपका यहाँ पे एन आर निकल के आ रहा है जी कहाँ गया अरे 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 ठीक है जी अब पे मुझे आंसर देना जी एक यहां पे आपका एनआर निकल के आ रहा है अब सारे बच्चे मुझे आंसर दें क्या ये वाली इनकम इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया क्या आर ओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगी यस होगी क्या आर एनओ आर के हाथ में टैक्सेबल होगी यस होगी इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम इंडिया क्या आर ओ आर के हाथ में होगी यस होगी क्या आर एनआर के हाथ में होगी यस होगी अब एक बात मेरे को बता दो बस क्या ऊपर वाली इनकम हमें एनआर के हाथ में टैक्सेबल करनी है नहीं करनी जी फटाफट से बोल दो क्या ऊपर वाली इनकम क्या ऊपर वाली इनकम हमें एनआर के हाथ में टैक्सेबल करनी है नहीं करनी मेरे को यस या नो में आंसर दे दो बात खत्म जी ऊपर वाली इनकम क्या ये वाली इनकम मुझे एनआर के हाथ में टैक्सेबल करनी है नहीं करनी जहां पे कंट्रोल की बात हो रही है जी जहां पे बिजनेस कंट्रोल की बात हो रही है क्या वो इनकम एनआर के हाथ में टैक्सेबल करनी या नहीं करनी यस या नो जल्दी बोलो फटाफट से यस या नो यस या नो हनी क्या ये इनकम एनआर के हाथ में, में टैक्सेबल करनी है भाई साहब नालायक बच्चा तो मैंने बहुत देखे हैं पर तुम जैसे नालायक मैंने बिल्कुल भी नहीं देखे ये इनकम नालायकों एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी एक बात में बताओ एनआर के हाथ में कैसे टैक्सेबल होगी हमने एनआर के हाथ में ऐसा कहां पड़ा एनआर के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल होती हैं इनकम अराइज इन इंडिया और इनकम रिसीव इन इंडिया अगर इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया है उसका बिजनेस कंट्रोल अगर इंडिया में है तो वो आर एनओ के हाथ में टैक्सेबिलिटी की बात कर रहा है वो एनआर के हाथ में टैक्सेबिलिटी की, की बात नहीं कर रहा बस ये ध्यान दो तो जी तो ये इनकम जो है तुम गलती से भी एनआर के हाथ में टैक्सेबल मत करके आना यहां पे टैक्सेबिलिटी हमें करनी है आरओ आर के हाथ में आर एनओ के हाथ में

Osionfish. तो दोनों दोनों वर्ड के अंदर फर्क समझना एक में बिजनेस कंट्रोल की बात हो रही है एक में बिजनेस कनेक्शन की बात हो रही है जब बिजनेस कंट्रोल की बात होगी तो आर ओ आर आर एनआर के हाथ में टैक्सेबल है एनआर के हाथ में नहीं है जब बिजनेस कनेक्शन की बात होगी तो आर ओ आर के अंदर भी है आर एनआर के अंदर भी टैक्सेबल है और एनआर के अंदर भी टैक्सेबल है दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया बस ये पर ध्यान दो क्या बात सुन में आ रही है जी पक्का पक्का चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि सर ये समझ नहीं आ रहा बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या है देखो तो बिजनेस कनेक्शन की अगर आप वैसे डेफिनेशन देखोगे तो बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है आपको याद करो मैंने क्लास के अंदर समझाया भी था और मैंने क्लास के अंदर बताया भी था कि अगर कभी आपको सीए इंटर क्लियर करने के बाद कभी ट्रेनिंग करने का मौका मिले बिग फोर सीए ए फॉर्म में तो आपको जान के हैरानी होगी बिग फोर सी ए में एक अलग से डिपार्टमेंट है सेक्शन नंबर नाइन का ही मतलब सेक्शन नंबर नाइन वो तो खुशी की बात है कि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं है रीजन क्योंकि सेक्शन नंबर नाइन जो तुम्हें दिख रहा वो है वो है ही नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे केसेस सेक्शन नंबर नाइन के अंदर होते हैं क्योंकि जितने भी फॉरेन क्लाइंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि मेरी इनकम को इंडिया में कमाया मानेंगे नहीं मानेंगे तो सैकड़ों केस लॉज यहां पे हैं सैकड़ों जजमेंट्स यहाँ पे हैं कई सर्कुलर यहाँ पे हैं कई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे हैं तब जाके सेक्शन नंबर नाइन खत्म होता है मतलब बिग फोर सी एफ में सेक्शन नंबर नाइन का अलग से डिपार्टमेंट है और जो उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तीन के तीन साल वो एक सेक्शन में ही ट्रेनिंग करते हैं सिर्फ सेक्शन नंबर नाइन में सेक्शन नंबर नाइन इतना बड़ा है आप मार्केट में कभी जाओ उसको ये बोला सर सेक्शन नंबर नाइन की ना बुक दे दो वो एक बुक एक बुक आपको इतनी मोटी सेक्शन नंबर नाइन की पकड़ा देगा

क्लास के अंदर बस यह समझो कि बिजनेस कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान लो किसी पर्सन का या किसी कंपनी का हेड ऑफिस अगर इंडिया में है मान लो हेड ऑफिस इंडिया में है, कोई भी ब्रांच इंडिया में है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है या कोई भी एजेंट इंडिया में है तो गवर्नमेंट कहती है हम ये मान लेंगे कि बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है बिजनेस कनेक्शन का नॉर्मल मीनिंग ये है दूसरा फिर गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर किसी कंपनी का अगर किसी फॉरेन कंपनी का या किसी नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में है अगर किसी नॉन रेजिडेंट का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में है तो हम ये मान लेंगे उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है अब मुझे नहीं पता जितने बच्चे मेरे रेगुलर बैच वाले सामने बैठे हैं याद आ रहा हो हूं मैंने दो एग्जांपल आपको दो चीजें बताई थी सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस के अंदर क्या आता है अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो याद करो मैंने कहा था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के लोगों से डील कर रही है और इंडिया के लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं डेटा डाउनलोड कर रहे हैं बहुत सारी फॉरेन कंपनी आज ऐसा करती हैं आज जितने भी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर हैं ऑलमोस्ट फॉरेन कंपनी के हैं तो आज बहुत सारा डेटा आप एक्सेस करते हो किसके थ्रू एक्सेस करते हो उनको पैसे पे करते हो ऑलमोस्ट सारी फॉरन कंपनी है चैट जीपीटी अब चैट जीपीटी टी चाहे जीपी वो इंडियन कंपनी तो नहीं है आप डेटा एक्सेस कर रहे हो डेटा इन इन्फॉर्मेशन वहां से ले रहे हो उसके बदले में तुम डॉलर के अंदर पेमेंट करो जिन लोगों ने चैट जीपीटी टी परचेस किया हुआ उन्होंने पेमेंट किया डॉलर के अंदर रुपीज में कन्वर्ट होकर पेमेंट जाते हो तो सारा पैसा किसको को फॉरन कंपनी को जा रहा है ना तो गवर्नमेंट ये बात कहते कि फॉरन कंपनी बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के लोगों से डील कर रही है अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है ही नहीं अब अगर इतनी फॉरेन कंपनी ऑनलाइन बिजनेस कर रही है उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो वो तो फिर इंडिया में टैक्सी पे नहीं करेंगी वो तो कहती है हम तो बाहर रहते हैं हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस तो इंडिया में है ही नहीं है जी तो फाइनली उन सब लोगों की इनकम को इंडिया में डीम्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेकर आई और क्या बोला गवर्नमेंट ने कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट से डील कर रहा है और पूरे साल में जो उसकी टर्नओवर आ रही है अगर वो दो करोड़ तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर पूरे साल में उसकी टर्नओवर ओवर दो करोड़ से ऊपर है तो जो भी वो इनकम आएगी हम डीम्ड कर लेंगे वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है और तुम्हारे हाथ में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी पहला पॉइंट ये वाला है जी तो मैं दोबारा बोलूंगा आपके एग्जाम में कंफर्म एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लो किसी का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर इंडिया में है तो क्या वो सेक्शन नंबर नाइन में कवर होगा आंसर इज यस कवर होगा सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ये बात करेगी अगर तुम इन दोनों में से किसी भी एक केस में कवर हो जाओगे तो हम ये मान लेंगे तुम्हारा सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है पहला केस क्या निकल के आ गया कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट डील कर रहा है रेजिडेंट से और पूरे साल में उसकी टर्नओवर जो निकल के आ रही है वो दो करोड़ से ऊपर निकल के आ रही है तो माने या ना मानो मानना ही पड़ेगा कि जो भी तुम इनकम कमाओगे वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया है और वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है फिर दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हूं सारी ऐप है जैसे यूट्यूब हो गया या मान लो इंस्टाग्राम हो गया फेसबुक हो गया हो गया सारी कंपनी है पबजी हो गया आपकी पबजी ऐप आप हो गया या और भी दुनिया जहान की प्ले स्टोर के ऊपर बहुत सारी ऐप है जो फॉरेन कंपनी की है अब तुम्हें तो क्या लगता है कि जैसे मान लो पबजी है इसके सब्सक्राइबर जो इंडिया में होंगे क्या वो तीन लाख तक होंगे या तीन लाख से ऊपर होंगे मैं कह रहा हूं तीन लाख कहीं ऐसा ना हो कि तीन करोड़ सर तीन लाख तो कुछ भी लिमिट नहीं है ना और मे भी अगर आपको बताओ कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो एक लिमिट के बाद आपसे पैसा मांगती हैं अब पैसा वो किसके पास जा रहा है फॉरेन कंपनी के पास जा रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो जी सुनो अगर तुमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिससे तुम लोगों को सोलिसिट कर रहे हो कन, कन्विंस कर रहे हो कन्वर्ट कर रहे हो उनको एडिक्टेड बना रहे हो और तुम्हारी एप्लीकेशन जो है उसके सब्सक्राइबर अगर तीन लाख से ज्यादा है तीन लाख तक है कोई दिक्कत नहीं है बट अगर तीन लाख से ज्यादा है तो जो भी इनकम आ रही होगी उसको डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया माना जाएगा और वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगी ये दो पॉइंट ध्यान देना आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बन सकता है मैं दोबारा बोलूंगा अगर कोई एनआर अगर आप आप मॉड्यूल चेक करोगे मॉड्यूल में आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा ठीक है ना मेरी बुक देखोगे मेरी बुक के अंदर भी मिल जाएगा क्योंकि मेरी बुक सेम मॉड्यूल ही है तो सिंपल क्या निकल के क्या आ रही है कि अगर कोई एनआर रेजिडेंट से डील कर रहा है कोई डेटा डाउनलोड कर रहा है कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा है और पूरे साल के टर्न ओवर करोड़ से ऊपर है तो सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया के अंदर मान लेंगे तो उसको डीम्ड कर लेंगे इनकम तुमने इंडिया में कमाई है तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है दूसरा अगर मान लो कोई भी एप्लीकेशन है उसके सब्सक्राइबर अगर तीन लाख तक है कोई दिक्कत नहीं है अगर सब्सक्राइबर बेस तीन लाख से ऊपर का है तो जो भी इनकम वहां से आएगी उसको डीम्ड टू बी अराइज इंडिया मानेंगे और वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है ये दो पॉइंट बस दिमाग में लेकर चलना चाहिए सर क्या ये अमेंडमेंट है आंसर इस नो ये आज के अमेंडमेंट नहीं है ठीक है ये हमने रेगुलर बैच के अंदर कंप्लीट की थी अगर आप रेगुलर बैच के बच्चे हो मुझे पूरा पूरा याद है हमने कंप्लीट की थी बट ये अमेंडमेंट है बट ये आज की नहीं है इस अमेंडमेंट को आए एक साल हो चुका है इस अमेंडमेंट को आए एक साल हो चुका है ये दो पॉइंट कहां लिखे हैं आप अगर चेक करोगे ना मॉड्यूल में आप मॉड्यूल में चेक करोगे सेक्शन नंबर नाइन में तो वहां पर आपको लिखे मिल जाएंगे दोनों के दोनों पॉइंट सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले ठीक है नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं ना ये दोनों के दोनों पॉइंट मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा उसकी आप टेंशन मत लो जी अरे इधर देखो ध्यान से नलायकों अरे ये वाला ना कुछ थोड़ा सा ना समझ में नहीं आया

दो करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो अगर वो सेल दो करोड़ तक कर रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर वो सेल उसकी दो करोड़ से ऊपर है तो जो भी इनकम वो यहां से कमा रहा होगा उस इनकम को डीम्ड कर लेंगे वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है अब समझ आ गया सर अभी तक समझ नहीं आ रहा था अब एक सेकंड में समझ में आ गया अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हमारे नस, नस में समा गया। सर। ये प्रोविजन नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के साथ डील कर रहा है पूरे साल की टर्नओवर दो करोड़ से ऊपर है तो उस इनकम पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में ले समझ में आ गया सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ठीक है जी लो अब बिल्कुल क्लियर हो गया मैं पहले कह रहा था अब बिल्कुल क्लियर है हो ही नहीं सकता तुम्हें क्लियर ना हो जी हाँ तुम हो ही ना लायक अब आ गया फटाफट वड़ से उसके बाद देखो तुम दूसरा पॉइंट सुनो दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जो जिसने कोई भी एप्लीकेशंस बनाई है कोई ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किए जिससे तुम मोहित हो जाते हो जिससे तुम सोलिसिट मतलब कन्विंस हो जाते हो एडिक्टेड हो जाते हो और जो उसने एप्लीकेशन बनाई है उसके इंडिया में यूजर तीन लाख से ज्यादा हैं जैसे मान लो पबजी मान लो यूट्यूब मान लो इंस्टाग्राम मान लो फेसबुक मान लो इनके यूजर इंडिया में तीन लाख से ऊपर तो होंगे ठीक है जी अब चलो WhatsApp, तो फ्री हो गए बट कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जहां पर आपको जैसे गेम्स की बात करता हूं कि दस लेवल फ्री है दस लेवल के बाद अगर लेवल अनलॉक करना है तो पेमेंट करनी पड़ेगी पेमेंट कहां जाएगी बाहर जाएगी तो गवर्नमेंट ने कहा अगर उस ऐप के यूजर इंडिया में तीन लाख से ऊपर है तो जो भी वो इनकम कमा रहा होगा ना उस इनकम पर वो इंडिया में टैक्स पे करेगा उसको डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे बस ये पर ध्यान दो जी क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी ठीक है बाकी इसके मैं नोट्स भेज दूंगा तुम टेंशन मत लो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐप के एग्जाम्पल तो दे रहा हूं पबजी हो गया और बाकी काफी सारी गेम्स तुम खेलते हो जो इंडिया की बनी हुई नहीं है फॉरन गेम्स है तो वो एप्स के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे जी अब बच्चा क्रिस्टल क्लियर हो गया सर सर ऐसा नहीं हो सकता हमारा सौ नंबर का पेपर ऐसा ही हो गुपचुप गुपचुप लव स्टोरी कहानियां हम लिख पाए जो हम डेली इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं मतलब ऐसा नहीं हो सकता ऐसा होगा वो फिर हर छह महीने तुम्हें पेपर देना पड़ेगा पास नहीं हो सकते उससे तुम बाकी कोई दिक्कत नहीं है उसकी नालायक ठीक है जी चलो आओ जी फटाफट से आओ इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाहता हूँ अब आ जाओ फटाफट से आओ अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है जी ये पॉइंट क्लियर हो गया क्या इसको हम लोग कर सकते हैं जी क्या इसको हम लो कर सकते हैं पक्का पक्का बता दो जी डन चलो जी अब एक बार फटाफट से आओ जी अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना अब चेक करो अगली कौन कौन सी इनकम को हम डीम्ड मानते हैं कि वो इनकम आपने इंडिया में कमाई है जी अब देखो अगली इनकम कौन कौन सी निकल के आ रही है अब अगली इनकम कौन सी निकल के आ रही है यहां पर चेक करो अगला पॉइंट ये देखो जी लो जी अगली कौन सी इनकम निकल के आ रही है अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया एक बात को सोच के बताओ जी याद करो आपको मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो जैसे मैंने कहा था कि जहां पर ना मैं भी क्लास ले रहा हूँ ठीक है मैं भी फेस टू फेस वैसे आज मैं घर से क्लास नहीं ले रहा मैं क्लास ले रहा हूँ जहां पर हमारी फेस टू फेस क्लास होती है दिखाऊँ आपको थोड़ा सा थोड़ा सा अगर मैं आपको चलो चलो यार एक छोड़ो कैमरा खराब कैमरा हिलुल जाएगा तो मतलब मैं जहाँ से यहाँ से मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर मैं अपनी फेस टू फेस क्लास लेता हूँ अपने लक्ष्मी नगर के अंदर तो ये जो जगह हमने ली हुई है ना ये किराए पर ली हुई है ये जगह हमने किराए पर ली हुई है अब ये बिल्डिंग कहाँ पे है लक्ष्मी नगर में है ये बिल्डिंग हमारी कहाँ पे है लक्ष्मी नगर में हमारी बिल्डिंग है और मान लो इसका जो ओनर है ना वो फिरंगी है मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है इसका ओनर वो है वो इंडिया से ना बाहर रहता है वो इंडिया से बाहर रहता है बच्चा कह रहा है दिखा दो सर दिखा दो सर अरे यार वो कैमरा हिल जाएगा ना लायक एक मिनट रुको यार ये देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे चेयर्स दिख रही हैं ओ माय गॉड पीछे लंबी लंबी चेयर्स देखो वो सारी चेयर्स अभी बच्चे तो है नहीं ना अब खाली इसके अंदर मैं ही खड़ा हूँ बस इस टाइम जी अब वापिस आ जाओ मेरे बच्चों अब देखो कैमरा भी सेट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता एक मिनट रुको अब हो गया नहीं हो गया है नहीं चलो आओज फटाफट से आओ जी अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं चलो <laughs> आवरी फटाफट से आवरी इधर सुनो मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं अब यहां पे एक बार फटाफट से आऊँ तो अब मान लो यहाँ पे जो मैं क्लास दे रहा हूं मान लो ये क्लासरूम जो है ये क्लासरूम जो है ना किसी फिरंगी का है किसी नॉन रेजिडेंट का है और उस नॉन रेजिडेंट को मैं किराया पे करता हूं मेरा पूरी क्लास से भी क्वेश्चन है मेरा पूरी क्लास से भी क्वेश्चन है ओ एम जी गजब ठीक है चलो वापिस आओ वापिस आओ हेलो भाई साहब वापिस आओ मेरा पूरी क्लास का भी है बट क्या यहां से आने वाला किराया बिल्कुल मानेंगे, मानेंगे, मानेंगे तो गवर्नमेंट ने वही बोला कि अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में है ना अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में तो वहां से आने वाली इनकम को डीम्ड मानेंगे और वो इनकम तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है तीसरा एक बात बताओ कल अगर वो नॉन रेजिडेंट बोले हेलो भाई साहब कल अगर मान लो वो नॉन रेजिडेंट बोले कि भैया मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हूँ तुम्हें प्रॉपर्टी खरीदनी है मैंने कहा बिल्कुल खरीदने को तैयार हूँ मैं अब अगर मान लो वो प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है अब अगर ये प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है तो उस नॉन रेजिडेंट को जो भी प्रॉफिट होगा क्या तुम्हें नहीं लग रहा है? वो प्रॉफिट इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए क्या वो प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है बिल्कुल इंडिया में है तो उसकी ट्रांसफर से आने वाली इनकम क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी बिल्कुल होगी तो गवर्नमेंट ने अगला वही पॉइंट लिखा कि अगर कोई कैपिटल एसेट इंडिया में सिचुएटेड है तो वहां से आने वाली इनकम भी इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया बनेगी वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है तीसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं अच्छी ठीक है जी चलो अब अगले पॉइंट पर आओ अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है अगला पॉइंट फिर ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी इंडियन सिटीजन को सैलरी पे कर रही है चाहे उसने सर्विस इंडिया से बाहर रेंडेड की है याद कर आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर कहा था आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एक पर्सन है और वो नॉन मान लो बाहर सेटल्ड है बट वो इंडियन सिटीजन है और वो बाहर सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सैलरी पे कर रही है

अब अगर मान लो रिलायंस कंपनी है अगर मैं रिलायंस कंपनी से मुझे डिविडेंट आएगा चाहे इंडिया से बाहर मिले चाहे इंडिया में मिले डिविडेंट देने वाली कंपनी कौन सी है इंडियन कंपनी तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया माना जाएगा वो भी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होगा ये सारी की सारी इनकम डीम्ड है कि मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है बस ये पर ध्यान दो तो जी एक बार फटाफट से रिकॉल करवाना जी एक बार दोबारा बोलो पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है इनकम कमाई बाहर बिजनेस कनेक्शन इंडिया में टैक्सेबल दूसरा अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में है वहां से आने वाली इनकम डीम्ड मानेंगे टैक्सेबल तीसरा प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया में है उसको ट्रांसफर करके जो तुम इनकम कमाओगे तो वो डीम्ड मानेंगे इनकम तुमने इंडिया में कमाई है चौथा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तुम्हें किसी इंडियन सिटीजन को सैलरी पे कर रही है तो उसके हाथ में मानना पड़ेगा वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है पांचवा फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मान लो इंडियन कंपनी से तुम्हें डिविडेंड मिल रहा है तो मानने या ना मानो मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है ये पांच हिसाब आपका सेक्शन नंबर नाइन के अंदर कवर हो चुके हैं जी बट अभी सेक्शन नंबर नाइन खत्म नहीं हुआ अब सेक्शन नंबर नाइन में ना कुछ आपके केस यहाँ पे इन्होंने अलग भी दिए हैं अब वो केस कौन से हैं देखो ये वाले केस हैं जी अब ये वाले केस कौन से हैं आओ थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब इसमें इन्होंने बोला है इंटरेस्ट इसमें इन्होंने बोला है टेक्निकल फीस और इसमें इन्होंने बोला है रोयल्टी तीन चीजें हैं इंटरेस्ट टेक्निकल फीस और रॉयल्टी इन तीनों को कब मानेंगे हमने इनकम इंडिया में कमाई है वो सुनो ध्यान से यहां पे एक तो है मान लो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बहुत ध्यान सुनना जी हेलो भाई साहब इधर बहुत ध्यान सुनना ये मान लो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जी ठीक है जी ठीक है उसके बाद ये मान लो है नॉन गवर्नमेंट ठीक है ये मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ये मान लो नॉन गवर्नमेंट है एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी कौन है नॉन गवर्नमेंट है अब बहुत ध्यान सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब ये गवर्नमेंट है और ये नॉन गवर्नमेंट है ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया बाहर से ना ये मान लो आउटसाइड इंडिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से लोन लिया ठीक है लोन के बदले में वो क्या पे करेंगे इंटरेस्ट पे करेंगे ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से कोई नोहाउ लिया नोहाउ नहीं सॉरी टेक्निकल सर्विस ली इसने क्या किया टेक्निकल सर्विस ली उसके बदले ये क्या पे करेंगे टेक्निकल फीस पे करेंगे ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर से क्या किया मान लो नो लिया उसके बदले क्या पे करेंगे रॉयल्टी पे करेंगे यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ सोच समझ के बता ना लोन टेक्निकल सर्विस और नोहाउ ये लेने वाली कौन है सारे बच्चे बताओ जी जल्दी बताओ मेरे को सारे बच्चे बताओ जी लोन नोहाउ और टेक्निकल सर्विस ये लेने वाली कौन है बताओ जी सारे बच्चे बताओ ये लेने वाली कौन है Honey, ये लेने वाली कौन है जी गवर्नमेंट है इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा इंटरेस्ट टेक्निकल फीस और रॉयल्टी ये देने वाली कौन है गवर्नमेंट है किसको दे रही है फोर्नर को तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसके हाथ में सेक्शन नंबर नाइन लगेगा क्योंकि इसके हाथ में हमें चेक करना है कि क्या उस इनकम को इंडिया में डीम्ड मानेंगे नहीं मानेंगे भाई पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है ये बात हमें समझ में आ रही है पेमेंट लेने वाला नॉन रेजिडेंट है तो उसके हाथ में सेक्शन नंबर नाइन लगेगा या नहीं लगेगा बस क्वेश्चन इतना सा रहा है जी अब गवर्नमेंट के लिए सुनो पहले गवर्नमेंट की बात करना हेलो भाई साहब ओए इधर दो मिनट सुन लो बस दो मिनट सुन लो अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर पेमेंट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट लेने वाला कोई भी है पेमेंट लेने वाला कोई भी है अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो इसके हाथ में हम हर केस में डीम्ड कर लेंगे कि वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके सोर्स को इंडिया में यूज किया हो या ना किया हो मतलब अगर जो गवर्नमेंट ने लोन लिया अगर वो लोन गवर्नमेंट ने इंडिया में यूज नहीं किया मान लो इंडिया में यूज नहीं किया उसने किसी दूसरी कंट्री में यूज कर लिया बट इंटरेस्ट पे कर रही है उसको तो वो इंटरेस्ट उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगा चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन को इंडिया में यूज किया या ना किया दूसरा अगर मान लो ये टेक्निकल सर्विस है टेक्निकल सर्विस के बदले में फीस पे कर रहे हैं ये फीस उस एनआर के हाथ में हमेशा इंडिया में टैक्सेबल है चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो टेक्निकल सर्विस को इंडिया में यूज किया या नहीं किया सेम अगर यहां पे कोई नोहा है इस नोहा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूज इंडिया में किया या नहीं किया हर केस में रॉयल्टी की इनकम जो है वो उसके हाथ में इंडिया में इंडिया टैक्सेबल है रटने वाला बच्चा बस एक बात ध्यान दे दे कि अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसके हाथ में हर केस में सेक्शन नंबर नाइन लगेगा और वो इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल होगी बात खत्म जी क्या बात स्वामी आ रही है जी क्या बात समझ में आ रही है जी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो उसके हाथ में हर केस में सेक्शन नंबर नाइन हमें लगाना है और वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा बात खत्म कोई दिक्कत तो नहीं है अब दूसरा अगर पेमेंट करने वाली नॉन गवर्नमेंट है अब अगर पेमेंट करने वाली नॉन गवर्नमेंट है मान लो नॉन गवर्नमेंट ने बाहर से कोई लोन लिया नॉन गवर्नमेंट ने बाहर से कोई नो लिया वर्नमेंट ने बाहर से कोई सर्विस ली उसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रही है उसके बदले वो रॉयल्टी पे कर रही है उसके बदले वो फीस पे कर रही है तो इसके हाथ में सेक्शन नंबर नाइन लगेगा नहीं लगेगा तो गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि इस पर्सन ने उसके सोर्स को इंडिया में यूज किया या नहीं किया गवर्नमेंट ने कहा वो डिपेंड करता है कि इस पर्सन ने मतलब इस जो नॉन गवर्नमेंट है इस पर्सन ने उसके सोर्स को इंडिया में यूज किया या नहीं किया मतलब नॉन गवर्नमेंट ने बाहर से लोन लिया उस लोन को इंडिया में यूज किया तब तो इंटरेस्ट उसके हाथ में टैक्सेबल होगा नहीं तो नहीं होगा इस पर्सन ने बाहर से लिया उस नो को इंडिया में यूज किया तब उसके हाथ में रॉयल्टी हमें इंडिया में टैक्सेबल करनी है नहीं तो टैक्सेबल नहीं करनी तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है यहां पर हमें चेक करना है क्या वो यूज इन इंडिया है या नहीं है और यहां पे हर केस में हमें टैक्सेबिलिटी करनी है बस ये पर ध्यान दो क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी तो बस अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन बने वैसे चांसेस नहीं है क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे रेजिडेंशियल स्टेटस का उसमें नाइन को इन्होंने इतना फोकस नहीं किया और जो नाइन के इन्होंने तीन चार पॉइंट डाले भी हैं वो नॉर्मल सिंपल से पॉइंट है वो बिना नाइन के भी हमें समझ में आ जाते हैं ठीक है, है? बट इतनी सी बात ध्यान देना इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो गया टेक्निकल फीस हो गया और रॉयल्टी हो गया अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट है तो हर केस में डीम्ड मानेंगे अगर नॉन गवर्नमेंट होगी वो तभी डीम्ड मानेंगे अगर उसके सोर्स को इंडिया में यूज करोगे तभी हम डीम्ड मानेंगे नहीं तो डीम्ड नहीं मानेंगे बस ये पर ध्यान दो जी क्या मेरे बात समझ में आ रही है जी ठीक है निए? तो ये सारी बातें हाँ बिल्कुल जी जितना यूज किया होगा उतना ही इंडिया में टैक्सेबल होगा जितना यूज नहीं किया होगा उतना इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा बात खत्म जी ठीक है निए? तो ये सारी की सारी बातें आपकी सेक्शन नंबर नाइन में अब जाके हमारी खत्म हो जाती है अब बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी जी क्या मैं नोट कर सकता हूँ जी चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब देखो रेजिडेंशियल स्टेटस के तीन सेक्शन फाइव सिक्स नाइन हमारे कंप्लीट हो गए ठीक है नी और बेसिक टैक्स रेट वाले पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए अब सुनो ध्यान से अभी तो नहीं कल फोर्टीन है ना तो कल भी हमारी क्लास पांच बजे होगी पंद्रह तारीख से फिर हमारी क्लास होगी आपकी वही रात को नौ बजे तो अब रात को नौ बजे क्लास होगी तो इस बार इंस्टीट्यूट ने जो आर इशू की है तो जो जो इस चैप्टर से इंटरलिंक क्वेश्चन होंगे ना तो हम आर के अंदर से भी खत्म करते रहेंगे ठीक है जैसे मान लो हमने दो चैप्टर कर लिए अब अगर उन दो चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आर के अंदर बना हुआ है तो वो आर वाला क्वेश्चन तुरंत हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि आर हमारे साथ साथ खत्म हो जाए

ठीक है बाकी अदर सोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी ठीक है जी डाइना यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है क्या मेरी बात समझ में आ रही है होमवर्क दूंगा अभी क्लास खत्म नहीं हो रही भाई होमवर्क तो दूंगा मैं होमवर्क तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा बिल्कुल जी हाँ आरटीपी आ गई हैं जी आर आपके इशू हो चुके हैं ठीक है तो आरटीपी को हम डिस्कस करेंगे पंद्रह तारीख से जी ठीक है चलो इधर देखो ध्यान से आरटीपी आ चुका है मेरे ख्याल से आरटीपी आ चुका है गुंजन सेक्शन नंबर नाइन में जब भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो फाइव के साथ ही बनेंगे Nine का कोई अलग से क्वेश्चन आपको किसी बुक में देखने को मिलेगा ही नहीं वो नॉर्मल इंटरेस्ट रॉयल्टी और टेक्निकल फीस वाला पॉइंट पूछेंगे उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि अगर गवर्नमेंट है तो हर केस में डीम्ड मान लेना अगर वो नॉन गवर्नमेंट है तो वो तम डीम्ड मानना अगर उसके सोर्स को इंडिया में यूज किया जी ठीक है चलो इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हम सैलरी नहीं कर रहे अभी सैलरी से पहले हम चैप्टर पे आ रहे हैं एक छोटा सा चैप्टर है बट मुझे लगता है इस बार के एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन बन सकता है अब वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज खत्म तो नहीं होगा आज हम खत्म तो नहीं करेंगे खत्म करेंगे कल वाली क्लास में तो आज इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी इधर सुनो ध्यान से हम हाँ खुशी वो तो जब करेंगे जब एक बार पांच हेट हो जाएंगे ना ठीक है जी आओ जी फटाफट पड़ से आओ इधर देखो ध्यान से कल कहाँ जा रहे हो आप कल भैया मेरी सुबह से लगे शाम तक क्लास है कहीं नहीं जा रहे कहाँ जा रहे हो आप मतलब हद है यार तुम्हारी वैसे कल कहाँ जा रहे हो आप अरे भैया प्यार करने का एक दिन नहीं होता पूरा साल का ही प्यार है पूरे जन्मों का ही प्यार है क्या तुम वैलेंटाइन विल यू बी माई वैलेंटाइन प्लीज विल यू मे, मैरी मी मेरी मी ना लायक चांद तारे तोड़ लाओगे आप मेरे लिए क्या आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ ला सकता हूँ कोई बात बन रही है इसकी लात चांद तारे तोड़ के इसरो रिसर्च कर रहा है नासा रिसर्च कर रही है ऊपर क्या है अब तू इतनी जल्दी तोड़ के लेके आएगा तो ले आ भाई देख लेंगे जल्दी जितनी जल्दी तोड़ के लेकर आएगा नासा और इसरो वाले देख लेंगे वहाँ जिंदगी भी है या नहीं है बात तो बात बात बातें करवा लो इन नोनू मोनू शोनू से बस ना नालायक चलो जी इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है आ जाओ फटाफट से आओ जी हेलो भाई साहब सर सरस्वती पूजा कोचिंग में नहीं होती क्या नहीं होती है वो तो हम पूजा करते हैं वो तो हम पूजा करते हैं बिल्कुल जी जी आ जाओ फटाफट से आओ इधर सुनो मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ अब यहां पे एक बार फटाफट से आओ अब हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर प्लीज बातचीत नहीं यार इधर देखो ध्यान से अब चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का जी ठीक है अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी एक बात मेरा सोच के बताओ सर हाउस प्रॉपर्टी में छे नंबर का क्वेश्चन था नवंबर तेईस में एमसीक्यूज में कोई बात नहीं डिस्कस कर लेंगे उसको भी टेंशन मत लो आज मतलब फटाफट से आओ जी अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है अब अगर तुम इसके नाम पे जाओगे ना तो इसके नाम से तुम कंफ्यूज रहोगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो नाम ये बात कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम का ट्रीटमेंट क्या है जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है याद करो मैंने क्लास के अंदर कहा था कि, कि हाउस प्रॉपर्टी से ना मान लो तुम्हारे पास एक घर है तुम इस घर से दो तरह से इनकम कमा सकते हो या तुम इनकम कमा सकते हो सेल से और या तुम इनकम कमा सकते हो रेंट से सिंपल सी बात है या तुम इनकम कमा सकते हो सेल से या तुम इनकम कमा सकते हो रेंट से अब गवर्नमेंट ये बात करे की अगर तुम इनकम कमा रहे हो सेल से अगर तुम इनकम कमा रहे हो सेल से तो उसमें दो केस होंगे जी अब दो केस कौन कौन से निकल के आएंगे जी यहाँ पे चेक करना अब अगर तुम इनकम यहां पे सेल से कमा रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा सेल के दो केस निकल के आते हैं या तो तुम्हारा बिजनेस सेल करने का है या बिजनेस तुम्हारा सेल करने का नहीं है और अगर तुम रेंट से इनकम कमा रहे हो तो दो केस हैं या तो तुम्हारा बिजनेस रेंट पे देने का होगा या बिजनेस तुम्हारा रेंट पे देने का नहीं होगा यही दो केस तो होंगे ना अब गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारा सेल करने का बिजनेस है तो जो भी तुम्हारी इनकम है ना वो टैक्सेबल होगी पी के अंदर अगर तुम्हारा सेल करने का बिजनेस नहीं है और फिर तुमने नॉर्मली घर बेच दिया और तुम्हें घर बेच के इनकम आ रही है तो वो इनकम कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी ना तो पीजीपी के अंदर होगी ना वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी वो कहीं भी नहीं होगी वो कैपिटल गेन के अंदर होगी फिर अगर तुम्हें इनकम आ रही है रेंट पे देखें और रेंट पे देना तुम्हारा बिजनेस तो है तो इनकम टैक्सेबल है पीजीपी में अगर तुम्हारा बिजनेस रेंट पे देना नहीं है फिर वो इनकम टैक्सेबल हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बस ये पास ध्यान दो तो जी तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ इतना सा हेड है बस सिर्फ इतने से हिस्से में हाउस प्रॉपर्टी लगता है जबकि नाम अगर पढ़ोगे तो नाम क्या कहता है नाम कहता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं नाम के बेस पे जाऊं तो नाम तो ये फीलिंग दे रहा है कि हाउस प्रॉपर्टी की सारी इनकम यहां पर आएगी आंसर इज नो सेल वाली इनकम तो यहां पर आ ही नहीं सकती रेंट वाली इनकम भी सारी नहीं आएगी अगर रेंट वाला बिजनेस है तो यहां पे नहीं है अगर रेंट पे देना बिजनेस नहीं है फिर मे भी वो इनकम यहां पे टैक्सेबल हो सकती है बस ये पास ध्यान दीजिए क्या मेरी बात समझ में आ रही है चलो अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे ये वाली इनकम टैक्सेबल हो सकती है अब मैं तुम्हारी आंखें खोल दूंगा जो बच्चे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं शायद उनको ये बात पता होगी बट आपने कहीं और से भी कोचिंग ली है तो आई थिंक आपको भी ये बात पता होगी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक्चुअल में लोग कहने को बोल देते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आती है जबकि हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम नहीं आती हाउस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू हम टैक्सेबल करते हैं ना उस वैल्यू को हम कहते हैं दैट इज एनुअल वैल्यू क्या बोलते हैं जी उस वैल्यू को हम बोलते हैं एनुअल वैल्यू मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू नहीं एनुअल वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल करेंगे इट स अगर तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है तो रेंटल वैल्यू की बात नहीं हो रही एनुअल वैल्यू जो होगी वो हम टैक्सेबल करेंगे बस ये यहां ध्यान दो अब बच्चा कह रहा है सर ये क्या मुसीबत है एनुअल वैल्यू और हमने तो आज तक सुना है कि रेंटल रेंट rent जो होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है आप बोलने मैंने कहा ना बोलने के लिए तुम कुछ भी बोल दोगे बट एज पर सेक्शन ट्वेंटी टू चार्जिंग सेक्शन इस चैप्टर में एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है रेंटल वैल्यू टैक्सेबल नहीं होती अच्छा फिर एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है याद करो मैंने क्लास में क्या बताया था एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है जैसे मेरे मेरे पास पास ना एक घर मतलब पास एक घर घर है 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 अब समझो ध्यान से एनुअल वैल्यू का मतलब क्या जी हेलो भाई साहब मेरे पास एक घर है सर फिफ्टी सेवन के अरे उड़ा लो बेटे मजाक उड़ा लो मेरा कोई बात नहीं बेटे एक दिन ऐसा आएगा मैं तुम्हें लिख लो तुम मेरी बात ही है यूट्यूब पे बोल रहा हूँ एक दिन ऐसा आएगा मेरी क्लास में तीन तीन हजार बच्चा लाइव बैठा, बैठा होगा तो वो तो चलो मन महिलाने वाली बात है सत्तावन हजार बच्चा लाइव बैठे हैं कोई बात नहीं ठीक है जी एक समय ऐसा आएगा जब तीन तीन हजार बच्चे लाइव बैठे होंगे मैं तुम्हें दिखा दूंगा ठीक है चलो आओ जी शाबाश मेरे बच्चे फटाफट से आओ अब एक बात को सोच के बताओ जी मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन का निकल क्या है कि मान लो अब ये घर है अब ये घर है ठीक है अब ये घर है तो गवर्नमेंट कहती है हम एनुअल वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे ये बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है गवर्नमेंट कह रही है एनुअल वैल्यू जो होगी वो हम यहाँ पे टैक्सेबल करेंगे मैंने कहा एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है तो गवर्नमेंट कह रही है एनुअल वैल्यू का मतलब है तेरे पास एक घर है अब इस घर से कितना किराया तू कमा सकता है

एक बार मेरे को बताओ मेरे को पूरी की पूरी क्लास का क्वेश्चन है सारे के सारे बच्चे मेरे को आंसर देंगे अब एनुअल वैल्यू क्या रेंटल वैल्यू सेम भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है बट रेंटल वैल्यू ही एनुअल वैल्यू होगी बात बिल्कुल भी नहीं है बट एनुअल वैल्यू रेंटल वैल्यू भी बन सकती है बट रेंटल वैल्यू ही एनुअल वैल्यू बनेगी ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा अब बच्चा कह रहा है सर फिर एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी याद करो एनुअल वैल्यू निकालने के लिए ना हमें चार वैल्यू चाहिए होती है एक चाहिए होती है हमें एफ अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो एक हमें चाहिए होती है एफ एक हमें चाहिए होती है एम एक हमें चाहिए होता है एस और एक हमें चाहिए होता है ए अगर ये चार वैल्यू नॉर्मली हमारे पास होती है इन चारों को यूज करके हम एनुअल वैल्यू निकाल लेते हैं तो अपने दिमाग की पहली बात तो एक बात ये लेके आओ कि आज के बाद हम कहने को रेंटल वैल्यू बोल सकते हैं बट हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में रेंटल वैल्यू कभी टैक्सेबल नहीं होती एनुअल वैल्यू होती है और एनुअल वैल्यू में भी रेंटल वैल्यू में नोट भी रेंटल वैल्यू वो डिपेंड करता है कि मेरी हायर या लोअर क्या निकल के आ रहा है उसके बेस पर डिसाइड होता है कि मेरी एनुअल वैल्यू क्या निकल के आ रही है ये बात क्लियर है अब मैं तुम्हें एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ जी इधर देखो ध्यान से सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू क्या कह रहा है जी आओ जी फटाफट से आओ जी इधर देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो जी सबसे तो पहले सेक्शन ट्वेंटी टू यहाँ पे हमें डिस्कस करना है फिर ट्वेंटी थ्री एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन जो आज ही हम कर पाएंगे शायद हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे ट्वेंटी फोर डिडक्शन दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी हम कल कंप्लीट कर लेंगे ट्वेंटी फाइव की कहाँ डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी 25 ए दैट इज एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी के ट्रीटमेंट क्या होगा 26

नी प्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपर्टिंट विच दीज दार्जेबल टू टैक्स प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रहा है वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो एनुअल वैल्यू होगी प्रॉपर्टी की अच्छा प्रॉपर्टी में क्या आएगा जी सोच के बोलो प्रॉपर्टी में क्या आएगा प्रॉपर्टी में या तो बिल्डिंग या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से अटैच है वेकेंट लैंड यहां पे कवर नहीं होगी मैं दोबारा बोल रहा हूं वेकेंट लैंड यहां पे कवर नहीं होगी उसने बोला बिल्डिंग और लैंड अपर्टीनेंट देयर टू लैंड अपर्टीन देयर टू का मतलब ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से कनेक्टेड है उसकी एनुअल वैल्यू यहां पर आ जाएगी सर नहीं समझे इसका मतलब मेरे बच्चे ये होता है जैसे मान लो ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग इसकी एनुअल वैल्यू यहां पर आएगी अब ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है, है अब यहां पे ना ये आपका ग्राउंड वाला एरिया है आपने कई बार देखोगा बाहर पार्क होते हैं छोटा छोटा बाहर बैठने का स्पेस होता है तो वो कई लैंड जो होती है ना वो बिल्डिंग से कनेक्ट, जैसे पार्किंग स्पेस हो गया तो गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई लैंड है जो बिल्डिंग से कनेक्टेड है उसकी एनुअल वैल्यू भी यहाँ पे आएगी सर अगर मान लो कोई वेकेंट लैंड है तो वो कहाँ जाएगी या तो अदर सोर्स या पीजीबीपी सर अगर मान लो कोई बिल्डिंग लैंड से कनेक्टेड है मतलब लैंड बहुत बड़ी है उसके अंदर एक छोटा सा कमरा बना पड़ा है तो वो भी अदर सोर्स या पीजीपी यहां पर क्या आएगा या तो बिल्डिंग आएगी या ऐसी लैंड जो बिल्डिंग से कनेक्टेड है उसकी एनुअल वैल्यू हमें यहां पे टैक्सेबल करनी है बस ये ध्यान दो बट फिर गवर्नमेंट ने बोला एक्सेप्शन एक्सेप्शन का मतलब ये एनुअल वैल्यू यहां पर नहीं आएगी क्या नहीं आएगी एनुअल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी

ओए ओ भिंडी इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है अब यहाँ पर जो मैंने तुम्हें क्लासरूम दिखाया यहां पर मान लो मेरी क्लास होती है इसके चार फ्लोर हैं और ये बिल्डिंग मेरी है वैसे मेरी नहीं है बट ये बिल्डिंग मान लो मेरी है अब अगर ये बिल्डिंग मेरी है हेलो भाई साहब अगर ये बिल्डिंग मेरी है इस वाले फ्लोर पे मैं अपनी टैक्स की क्लास चला रहा हूँ और बाकी तीन फ्लोर मैंने किराए पर लगाए हुए हैं तो क्या इस वाले फ्लोर की एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बिल्डिंग के जिस पोर्शन में बिल्डिंग के जिस पोर्शन में तुम अपने खुद का बिजनेस कैरी करोगे वो पोर्शन तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा वो तुम्हारा बिजनेस में जाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा

मैंने कहा था कि आपके सेक्शन 22 टू में दिए हुए वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अगर आपको याद आ रहा हो तो वो भी आपके एग्जाम में कई बार बन चुके हैं मैं तुम्हें तो बताने जा रहा हूं कि वो दो केस कौन कौन से हैं इधर देखो ध्यान से वो दो केस कौन से हैं आपको याद करवाता हूं ये दो केस तो हो गए पहला केस क्या होगा कि अगर बिल्डिंग के जिस पोर्शन में तुम बिजनेस करोगे वो पोर्शन यहां पे नहीं आएगा दूसरा दूसरा केस अगर तुम्हारा बिजनेस ही किराये पर लगाने का है तो वो बिल्डिंग भी यहां पे कवर नहीं होगी वो बिजनेस में टैक्सेबल होगी वो यहां पे नहीं आएगी तीसरा केस तीसरा केस क्या निकल के आ रहा है जी हेलो भाई साहब तीसरा केस क्या निकल के आ रहा है तीसरा केस ये निकल के आ रहा है लेफ्ट एन एग्जाम्पल मान लो एक एक घर आपके सामने है एक एक घर आपके सामने है अब सामने एक बच्चा बैठा सुभाष तो सुभाष को ना एक घर किराए पर चाहिए था तो सुभाष ने जगह जगह देखा कि भाई घर किराए पर चाहिए तो इसको क्या हुआ एक घर के बाहर बोर्ड लगा मिल गया कि ये घर किराए के लिए खाली है ठीक और ये किराए के पूछने के लिए आया जी अब जब ये किराए के लिए पूछने के लिए आया तो इसने बोला कि भाई साहब ये घर किराए पर कितने का है तो मैंने कहा ये किराए पर ना चालीस हजार पर, पर मंथ है चालीस हजार पे पर मंथ किराए पर मैं कहा हां भाई साहब चालीस हजार पर मंथ किराये पर है तो कह रहा है ऐसा इसमें क्या है मैं कहा सब कुछ है वेल फर्निश्ड घर है फर्नीचर एसी वेसी ड्रेसिंग टेबल अलमीरा सब कुछ है कहता अच्छा मतलब फर्निश्ड है तो मैंने कहा फर्निश्ड घर है तो ठीक है चालीस हजार रुपए फिर इसने मेरे से क्वेश्चन पूछा सर ऐसा बता सकते हो कि घर का कितना है और फर्निशिंग आइटम कितना कहा भाई वो नहीं पता देख भाई इसमें ना सारा कुछ बीच में लगा हुआ है अब ये सारा कुछ बीच में लगा हुआ है तो ये चालीस हजार किराया पड़ेगा इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट इनसेपरेबल सारे बच्चे मेरे पीछे बोलो क्या बोलते हैं इसको हम कॉम्पोजिट रेंट इनसेपरेबल इसको हम ये बोलते हैं अब कॉम्पोजिट रेंट मतलब इकट्ठा

अगर तो एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि कॉम्पोजिट रेंट है और वो इनसेपरेबल है तो वो किराया बिजनेस में टैक्सेबल करो या वो टैक्सेबल करो सोर्स में टैक्सेबल करो हाउस प्रॉपर्टी में वो किराया टैक्सेबल नहीं होगा ये केस ध्यान रखना अपने अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये सेपरेट करके बता दिया भाई जैसे आपने बोला कि भाई चालीस हजार में ना पच्चीस हजार तो मैं घर के ले रहा हूं पंद्रह हजार में ले रहा हूं फर्नीचर के तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पच्चीस हजार जो घर के हैं ये टैक्सेबल कर दोगे हाउस प्रॉपर्टी में पंद्रह हजार जो फर्नीचिंग आइटम के हैं या तो आप टैक्सेबल करोगे पीजीपी या टैक्सेबल करोगे अदर सोर्स वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा बस ये पर ध्यान दो जी क्या यहां तक क्लियर है जी क्या यहां तक क्लियर है क्या इसको लॉक कर सकते हैं पक्का पक्का चलो अब अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है एक केस तो ये हो गया जी। अगला केस क्या निकल के आ रहा है जैसे आपके ना कुछ ही घंटे बाकी हैं सीए बनने में अब जब तुम सीए बन जाओगे ना जब तुम सीए बन जाओगे तो क्या होगा सीए बनने के बाद ना मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ सीए बनने के बाद आप अलग अलग कंपनी में काम करोगे और अगर मान लो कोई बच्चा सी है तो सीएस बनने के बाद वो अलग अलग कंपनी में काम करेगा ये तीनों भाई बहन है सी एस सी एस सी एम ये तीनों भाई बहन है सी की फील्ड नॉर्मली सी अकाउंट्स की ऑडिट की टैक्सेशन की हो जाती है सीएस के बच्चे थोड़े से लो की फील्ड में चले जाते हैं और सीएमए वाले बच्चे कोस्टिंग की फील्ड में चले जाते हैं तो मान लो आप के पास डिग्री आ गई जब डिग्री आ गई तो आप बड़ी बड़ी कंपनी में काम करोगे ऑब्वियस सी बात है आप बड़ी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो आपको पता है कि कई बार क्या होता है बड़ी बड़ी कंपनी वाले ना उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं और वो तुम्हें रहने के लिए वहीं पर घर दे देते हैं और बहुत कम किराया चार्ज करते हैं तुम्हें पता है वो बिजनेस ना हो तो नहीं 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 मैंने बोला ना अगर बिजनेस है तो पीजीपी अगर बिजनेस नहीं है तो फिर अदर सोर्स क्या तुम्हें यह बात पता है पहले बताओ क्या तुम्हें बात पता है वैसे नहीं पता मैं तुम्हें बता रहा हूं तो जब तुम बड़ी बड़ी कंपनी में काम करोगे ना तो वहां पर ना रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते हैं मतलब एम्प्लॉई के लिए बने होते हैं और बहुत कम प्राइस पर बहुत कम प्राइस पर वो तुम्हें प्रोवाइड करवा देते हैं क्योंकि अगर तुम वहां पे रहोगे ऑफिस टाइम पर रहोगे और अगर कई बार एक्स्ट्रा काम करना होगा तुम ऑफिस में लेट तक रुक सकते हो क्योंकि ये क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कंपनी के साथ ही होते हैं बिल्कुल अब कंपनी के साथ हैं कंपनी ए रही तुम वहां पे रह रहे हो कभी रिक्वायरमेंट बढ़ गई तुम्हें बुला लिया ये तुम तीन तीन किलोमीटर दूर रहोगे आने जाने में टाइम लगेगा छुट्टी जल्दी मांगोगे तो कंपनी वाले क्या बोलते हैं भाई तेरे को घर हम दे रहे हैं और बहुत कम किराए पर दे रहे हैं अब एक बात मेरे को बताना मान लो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ये टाटा कंपनी है टाटा स्टील कंपनी और तुम्हें रहने के लिए वो घर दे रही है और बहुत कम किराया चार्ज कर रही है क्या बात समझ में आ रही है तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है क्या टाटा कंपनी का मेन बिजनेस ये घर किराए पर देने का है सारे बच्चे बताओ क्या टाटा कंपनी का मेन बिजनेस जो है क्या वो तुम्हारे घर किराए पर देने का है क्या टाटा कंपनी घर किराए पर लगाती है नहीं लगाती इसका मेन काम तो क्या है स्टील का वो तुम्हें घर किराए पर क्यों दे रही है ताकि उसका मेन बिजनेस और बढ़िया से काम करे मोर एफिशिएंटली काम करे मोर एफिशिएंसी से काम करे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर किसी का बिजनेस घर किराए पर देने का नहीं है बट वो घर किराए पर इसलिए दे रहा है ताकि उसका मेन बिजनेस और अच्छे से काम करे तो वो जो रेंटल इनकम उसको आ रही होगी ना उसकी बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल होगी उसकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी बात ध्यान देना क्योंकि जो वो किराया ले रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किराया ले रहा है तो वो रेंटल इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं करेगा अगर तुमने किराया लिया अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट ने कहा वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी में बिजनेस में जाएगी जा। तो इस लाइन को मैं ऐसे बोलता हूं इफ लेट आउट इज द सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस सप्लीमेंटरी मतलब तुम जिम में जाते हो सप्लीमेंट खाते हो सप्लीमेंट से ताकत आती है ना तो गवर्नमेंट ने क्या बोला अगर तुम्हारा लेट आउट करना इफ लेट आउट सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट supplement है इफ लेट आउट इज सप्लीमेंट्री टू द मेन बिजनेस तो वो रेंटल इनकम जो होगी वो तुम्हारी बिजनेस में टैक्सेबल होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी बस ये पर ध्यान चलो जो मुझे फटाफट से सारे के सारे बच्चे कंक्लूड कर दो हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में दो इनकम होती है सेल और रेंट सेल वाली इनकम तो यहाँ पे आती नहीं बाहर निकाल दो या तो बिजनेस या कैपिटल गेन रेंट वाली इनकम बिजनेस है तो पीजीपी अगर बिजनेस नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी में आ सकती है बट एज पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी टू रेंटल वैल्यू नहीं एनुअल वैल्यू हमें टैक्सेबल करनी है एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इस घर से हम कितना किराया कमा सकते हैं वो वैल्यू हम निकालेंगे उसके बेस पे वो हमें टैक्सेबल करनी है ये वैल्यू हमें करनी है बट कुछ केस में एनुअल वैल्यू हम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं करेंगे पहला अगर बिल्डिंग के जिस पोर्शन में तुम अपने खुद का बिजनेस कैरी कर रहे हो वो पोर्शन यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा फिर अगर तुम्हारा किराए पर लगाने का बिजनेस है तो वो इनकम यहां पे नहीं आएगी तीसरा केस अगर तुमने किराए पर दिया कॉम्पोजिट रेंट है इकट्ठा रेंट है इनसेपरेबल है तो वो सारा किराया बिजनेस या अदर सोर्स वो डिपेंड करता है बिजनेस होगा तो पीजीपी नहीं तो वो फिर अदर सोर्स में रहेगा फिर मैंने क्या बोला अगर तुम्हारा लेट आउट करना मेन बिजनेस नहीं है ठीक है तुम्हारा मेन बिजनेस उससे बढ़िया से काम कर रहा है लेट आउट करने से तो वो इनकम टैक्सेबल जो होगी वो टैक्सेबल हम कहां पे करेंगे वो टैक्सेबल बिजनेस में करेंगे हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करेंगे बस ये बार ध्यान दोजनेस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए रेंटल इनकम हुआ तो वो पीजीबी में टैक्सेबल होगा बिल्कुल सही बात है सुभाष कोई दिक्कत तो नहीं है जी बक्का बक्का अब अब बस पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अब हमें कैसे निकालनी है कि कि हमें 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 वैल्यू कैसे निकालनी अगर तो में, में दोनों दे रखे होंगे तो कौन सा ऑप्शन देखो सूर्य अगर दोनों एक ऑप्शन में दे रखे हैं तो वही सही होगा अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हैं तो ना क्वेश्चन में बताया होगा कि उसका है या नहीं है अब में के बारे में कुछ नहीं कहा, तो, अगर के बारे में कहा है, तो बात खत्म तो इधर सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं कल की टाइमिंग कल की टाइमिंग सेम पांच बजे अच्छी और आज का होमवर्क एक बच्चा कह रहा है आज का होमवर्क तो आई थिंक मैंने मॉड्यूल में से दिया था ना मैंने कहा मॉड्यूल में से दिया था मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था वो अगर तो मॉड्यूल में से दिया था आपको तो उसका आंसर तो मॉड्यूल में होगा ही आपके अब उसमें कोई पॉइंट में डाउट है तो मुझसे पूछ लो जी कल बजे ही हमारी क्लास फिर नौ बजे हम करेंगे मतलब पंद्रह तारीख से नौ बजे करेंगे हम हाँ तो उसका आंसर तो मॉड्यूल में से आप चेक कर सकते हो उसका आंसर तो आप मॉड्यूल में से चेक कर सकते हो अब सुनो ध्यान से अब सुनो ध्यान से तुम्हें तो आज का होमवर्क क्या दे रहा हूं ये तुम तो होमवर्क कर भी रहे हो नहीं कर रहे होमवर्क कर रहे हो ना अब तुम्हें सुनो ध्यान से क्या कर रहा हूं अब सुनो ध्यान से मैं तुम्हें तो क्या दे रहा हूं? अब तुम्हें क्या करना है चैप्टर नंबर वन, जो तुम्हारे मॉड्यूल में है एक तो चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिए हुए हैं और जब वो चैप्टर चल रहा है उसके बीच में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने क्या बोला चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए और जब वो चैप्टर चल रहे है, उसके बीच में भी कई सारी इलेट्रेशन दी हुई है चैप्टर नंबर टू के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस वाले के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ठीक है तो ये दोनों अब सो परसेंट आपने सारे क्वेश्चन कल की क्लास से पहले खत्म करके आने हैं सिंगल एग्जाम्पल भी मिस नहीं होना चाहिए बीच वाला भी और बाद वाला भी कसम लगे तुम्हें माता रानी की मैं हूं अगर तुम्हारे पेपर तुम्हें अभी देने हैं तुम्हें मेरे साथ साथ काम करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा वो तुम्हें करके आना पड़ेगा बाद वाले सारे और बीच वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुमने सारे कंप्लीट करके आने है बस ये ध्यान दो ठीक है जी हाँ चैप्टर वन एंड टू दोनों के बिल्कुल चैप्टर वन एंड टू दोनों के बिल्कुल बिल्कुल इलस्ट्रेशन और टेस्ट यूर नॉलेज वाले ठीक है चैप्टर वन एन टू दोनों के देखो मेरे साथ साथ चलोगे ना टेक्स में तुम्हारे नंबर बहुत बढ़िया आएंगे अगर मेरी बात नहीं मानोगे आए रिवीजन कर ली और आराम से बैठ गए मुझे कोई दिक्कत नहीं नुकसान तुम्हारा होगा जी अगर मेरे साथ साथ चलोगे बिलीव में नंबर देख लेना आपके टेस्ट में बहुत बड़े बढ़िया नंबर आएंगे आप मुझे थैंक यू बोलोगे सर वाकई आपने कुछ काम करके दिखाया था बट प्रोवाइड आपको मेरी बात माननी पड़ेगी बस ये पर ध्यान दो जी जी ठीक है अदिति तो आपको अगर न्यू सिलेबस है तो यही यही क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने मॉड्यूल वाले क्वेश्चन कर सकते हो जी ठीक है और अगर आपका ओल्ड सिलेबस है तो एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पे हाँ, वहां से आप देख सकते हो जी ठीक है चलो तो फिर बाकी मुलाकात अब हम करेंगे अब कल वाली क्लास में सेम टाइम बजे मिल रहे हैं कल हम सेम जगह ओके री बाय बाय टाटा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू लव यू ऑल जय हिंद और अगर कोई भी डाउट है इन क्वेश्चन में कल आते आपने मुझसे पूछना है उस डाउट को हम सोल्व करेंगे देन फिर हम जीएवी की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बस ये पर ध्यान दो ठीक है बाय बाय लव यू ऑल अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाना और अगर अच्छी लगे दिल से तो कमेंट जरूर करना थैंक यू सो मच गोट बेस्ट वी लव यू ऑल